हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के सेकंड लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने बात की थी आखिरकार डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिए थे एंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहां से देखने को मिलती है। राइट, उसके बाद हमने बात की थी लिमिटेशन ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कि डेल्टन ने इतने सारे पोस्टुलेट देने के बाद कहां कहां पर उनके पोस्टुलेट्स में कमियां रह गई थी। राइट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। राइट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास अलग अलग एलिमेंट हैं और अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग नेम है। राइट, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाते टाइम हम हर एलिमेंट का इतना बड़ा नेम नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, हमें कुछ ना कुछ सिंबल चाहिए था जिससे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आसानी से लिख सके और हमारा थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए। राइट, तो वहां पर हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपनी थ्योरी दी। राइट, तो उनमें से हमारे पास जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे डेल्टन खुद, क्योंकि डेल्टन ही एटॉमिक थ्योरी दे रहे थे, डेल्टन का ही काफी नाम बेशुमार था वहां पर उस टाइम पर। तो डेल्टन ने क्या किया, डेल्टन ने कहा कि मैं काम करता हूं, मैं हर एक एलिमेंट का एक अलग सिंबल बना देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर आपको हाइड्रोजन लिखना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हमारे पास एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक स्फीयर लेंगे एंड उसके अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ एक अलग यूनिक चीज डाल देंगे जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो डेल्टन ने कहा आप एक काम करो, एक स्फीयर बनाओ एंड उसके अंदर एक डॉट लगा दो, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन को। तो अब मैं कहीं पर नोटबुक में अगर ये सिंबल लिख दूं एंड इसके बीच में अगर डॉट लग रही हो तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसी तरीके से उन्होंने कहा अगर आपको ऑक्सीजन को लिखना है, अगर आपको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक नॉर्मल स्फीयर बना दो, अगर आपको कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन के लिए आप क्या करो, एक स्फीयर बनाओ जिसके अंदर आप क्या कर दो, पूरा का पूरा स्फीयर को फिल कर दो, आप क्या करो पूरा का पूरा स्फीयर को फिल कर दो। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल्स बना दिए। अब यहां पर दिक्कत क्या थी, यहां पर दिक्कत ये थी कि इन सिंबल्स की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल को लिख नहीं सकते हैं आसानी से। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O को लिखना चाहूं तो आज की डेट में तो हम वाटर को इतनी आसानी से लिख देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, आज की डेट में हम ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डेल्टन जो उन्होंने सिंबल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम वाटर को अगर दिखाना चाहें तो वाटर को कैसे दिखाएंगे, हमारे पास H2O है तो यानी कि बीच में तो ऑक्सीजन होती है और साइड में दो हमें हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये हमारे पास क्या थी, सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गई डेल्टन के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे कोई ये स्ट्रक्चर बना के देगा तो मैं कहूंगा ये और ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में ऑक्सीजन है तो ये बन गया हमारे पास H2O। राइट, तो चलो ये थोड़ा सा सिंपल सा मॉलिक्यूल था, बट अगर मुझे लिखना पड़ जाए C6H12O6, इतने बड़े बड़े मुझे फॉर्मूले लिखने पड़ जाए, मान लीजिए थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं इसको, K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24H2O, ठीक है, जिसे हम पोटाश एलम कहते हैं, एक इसका फॉर्मूला होता है पोटाश एलम का। अगर मुझे इस टाइप के फॉर्मूला लिखना पड़ जाए फिर तो हम लिख ही नहीं सकेंगे, हम किस तरीके से इतने बड़े फॉर्मूले को इन सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। राइट, तो इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया कि पहली बात इतने सारे एलिमेंट्स के इस टाइप के सिंबल याद करने पॉसिबल नहीं है, और अगर याद भी हो जाए तो इन सिंबल की हेल्प से हम अलग अलग कंपाउंड्स को, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे, उनके स्ट्रक्चर को आसानी से नहीं बना पाएंगे, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। कितनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे बर्जेलियस। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट जानना है कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास कौन सा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आया था। ठीक है, सीक्वेंशियल क्या है हमारे पास, सीक्वेंस क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो थे बर्जेलियस, और बर्जेलियस ने क्या कहा, बर्जेलियस ने कहा कि आप क्यों चक्रों में पढ़ रहे हो, अगर आपको सिंबल रिप्रेजेंटेशन ही करनी है तो आप एक काम करो, जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो और वही उसका क्या कर दो, सिंबल बना दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन का इन्होंने कहा कि अगर आपको सिंबल बनाना है कुछ ना कुछ तो आप एक काम करो H बना दो,
हाइड्रोजन का इनिशियल जो अल्फाबेट है वो क्या है, एच है, तो आप एच ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने कहा अगर आपको कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन को आप सी से रिप्रेजेंट कर दो। आपको एलिमेंट के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप एलिमेंट के नाम याद कर रहे हो तो उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वही उनका क्या हो जाएगा, सिंबल भी हो जाएगा। स्टडी भी आसान हो गई, लिखना भी आसान है, याद करना भी आसान है, और बाकी जितने भी फोल्ड थे डेल्टानेटिविक थ्योरी में वो सारे के सारे भी क्या हो गए, फोल्ड आउट हमें यहाँ पर देखने को मिल गए, राइट। उन्होंने कहा अगर आपको सल्फर को लिखना है तो एक काम करो, फर्स्ट अल्फाबेट जो है दैट इज एस, उसको लिख दो, वही इसका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा हमारे पास। फ्लोरिन को लिखना है, मान लो आपको आपको क्या लिखना है, फ्लोरिन को लिखना है, तो आप एक काम करो एफ लिख दो, ठीक है, आप एक काम करो एफ लिख दो। अब दिक्कत कहां आई, दिक्कत उनको ये आई, अगर हम ऊपर को लिखना चाहेंगे, अगर हम कॉपर को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे कार्बन का सिंबल भी सी है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट का सी है, और कॉपर का फर्स्ट अल्फाबेट भी क्या है, सी है। अब इसका भी अगर सी लिख दूंगा मैं अगर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट का मैं सेम सिंबल यूज कर ही नहीं सकता हूं। तो उन्होंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, आप एक काम करो इन एलिमेंट्स के जो लेटिन नेम है उनको यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे कॉपर का जो लेटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रम, कोपर का जो लेटिन नेम होता है वो क्या होता है, क्यूप्रम होता है। तो आप एक काम करो लेटिन नेम से इनिशियल टू अल्फाबेट उठा लो, लेटिन नेम से इनिशियल टू अल्फाबेट उठा लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu, ठीक है, ये क्या हो गया, कोपर का सिंबल हो गया। उसी तरीके से मैं अगर बात करता हूं मान लीजिए आयरन की, तो आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe, आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। तो आप कहोगे सर ये Fe कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो इनिशियल में आई है ना, तो हमने आई क्यों नहीं लिखा। बच्चों इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे पास आयोडीन है, तो आयोडीन को हम नेम दे चुके थे आई का, ठीक है, आयोडीन को हम ऑलरेडी सिंबल आई दे चुके थे, अल्फाबेट आई यूज कर चुके थे। तो अगर मैं आई यूज करता आयरन में भी तो दिक्कत आती हमारे पास, राइट। तो इसलिए हमने इसका क्या यूज किया, लेटिन नेम। मैंने आपको क्या कहा था, बर्जेलिस ने कहा जहां पर सेम सिंबल मिल रहा है दो अलग अलग एलिमेंट को, आप उनमें से एक के लिए उसका लेटिन नेम यूज कर लो। तो आयरन का अगर मैं लेटिन नेम की बात करता हूं तो आयरन का लेटिन नेम होता है फेरन, ठीक है, आयरन का लेटिन नेम क्या होता है, फेरन हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं एफ रख देता तो एफ तो फ्लोरीन का भी था, ठीक है, एफ रख देता खाली तो एफ तो हमारे पास फ्लोरीन का भी था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, आप एक काम करो इनिशियल टू अल्फाबेट उठा लो। तो इन्होंने क्या ले लिया, एफ ही ले लिया, और इस तरीके से हमारे पास जितनी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है उन सबका सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि हमारे पास जो एटम है वो नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता है एटम जो है वो रिएक्टिव नेचर के हैं, डेल्टानेटिविक थ्योरी हमें ये नहीं समझा पाए थे कि आखिरकार दो एटम कंबाइन किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, उनमें क्या अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो अब हमें बात करनी है उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में कि आखिरकार जब दो एटम कंबाइन करना चाहते हैं तो वो क्यों कंबाइन कर रहे हैं और उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड देखिए, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या लग रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो आई होप सिंबल रिप्रेजेंटेशन वाला जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंसेप्ट को दिल पे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को दिल पे ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा क्वेश्चन कभी इसके ऊपर कभी क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बताओ मैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन अगर बने तो बन सकता है। तो देखिए नॉर्मल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास मान लीजिए ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन दे देंगे, तीन चार ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए मेरे को एक दिया गया है आयरन, ठीक है, एक दिया गया है फ्लोरीन, एक दिया गया है फ्लोरीन। क्वेश्चन करवा रहा हूं सिंपल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, वैसे तो देखिए बनेगा नहीं, लेकिन अगर बन जाता है इन केस तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास है आयरन फ्लोरीन और हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन तो ये है, क्वेश्चन अभी आपको मेंशन नहीं किया, पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूं ताकि आप ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। एक आयरन है, फ्लोरीन है, एक नाइट्रोजन है, एक हमारे पास फ्लोरीन है, एक हमारे पास मान लीजिए नाइट्रोजन है, और एक हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन है, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। एक थर्ड और ले लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम है, ठीक है, एक हमारे पास सोडियम है, एक हमारे पास मान लीजिए कॉपर है, और एक हमारे पास मान लीजिए बोरोन है, ठीक है, और एक और ऑप्शन है कुछ भी, तेरे तीन ऑप्शन के साथ ही खेलते हैं फिलहाल, तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है और इस टाइप का आएगा तो इस टाइप का आएगा कि बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर लेटिन नेम से सिंबल नहीं लिया गया है,
ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बताओ, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें किसी भी एलिमेंट का नेम लेटिन किसी भी एलिमेंट का सिंबल लेटिन वर्ड से नहीं उठाया गया है। ठीक है, तीन ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन ये है कि बताओ इनमें से किस ऑप्शन के अंदर कोई भी नाम जो है कोई भी सिंबल जो है वो लेटिन नेम से नहीं उठाया गया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। सिंपल सी बात है, आई से तो Fe तो बनेगा नहीं, राइट। आयरन का नेम अगर आयरन का सिंबल अगर आयरन से उठाया होता तो आई होता, Fe है यहाँ पे सिंबल, यानी कि कहां से उठाया होगा, लेटिन नेम से उठाया होगा। ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। देखिए फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन का सिंबल होता है F, तो यहाँ पे F है तो वहीं से उठाया गया, यानी कि नाइट्रोजन का क्या है N, यानी कि यहीं से उठाया गया है। ऑक्सीजन का क्या होता है O, यानी कि ऑक्सीजन का सिंबल भी इसके नॉर्मल नेम से ही उठाया गया है, तो यही हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, अब Na तो नहीं उठाया जा सकता ना नॉर्मल नेम से, यानी कि Na सिंबल है तो कहीं कहां से उठाया होगा, लेटिन नेम से उठाया होगा। और सोडियम का लेटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम, ठीक है। कॉपर हमारे पास है, ये तो अभी आपको करवाया था, Cu, ये भी इसके लेटिन नेम से उठाया गया है। क्या है इसका लेटिन नेम, क्यूप्रम, ठीक है। और बोरोन तो हमारे पास नॉर्मल नेम से ही उठाया गया है, जिसका सिंबल क्या है, बी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि कौन से ऑप्शन के अंदर सभी नेम जो है वो नॉर्मल नेम, सभी सिंबल जो है वो नॉर्मल नेम से ही उठाए गए हैं, लेटिन नेम से नहीं उठाए गए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन टू देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो, और इसके लिए आपको ये कंसेप्ट और जो लेटिन नेम है वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है सोडियम का सिंबल Na है, अब Na सोडियम से तो नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे लेटिन नेम से ही आया होगा। तो इस कंसेप्ट को और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेटिन नेम याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि हमारे नेचर में एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एटम के एग्जिस्टेंस को लेके, तो हमें एक बात पता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज है हमारे नेचर में, वो स्टेबल होना चाहती है और एक स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहती है। अगर कोई भी एटम रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है और स्टेबल होना चाहता है, राइट। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होना चाहेगी। मैं कह रहा हूं कि एक्स वाई जेड कोई भी एटम है वो रिएक्शन शो कर रहा है, तो वो रिएक्शन तभी शो करेगा जब वो स्टेबल नहीं है। अगर वो स्टेबल होगा तो वो क्यों रिएक्शन शो करेगा, राइट। तो यही रीजन है हमारे पास, जब एटम कंबाइन करते हैं, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है हमारे पास, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं है और वो कंबाइन करके क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। एटम हमारे पास अगर कंबाइन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एक बात यही याद रखिएगा कि वही एटम जनरली रिएक्शन शो करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जो कि स्टेबल नहीं होते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, राइट। अगर आप बात करो एक्सेप्शन क्या है सर इनकी, तो देखिए एक्सेप्शन हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो ग्रुप 18 हमें गिवन है, ठीक है। ग्रुप 18 हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये जो हमारे पास एक्सेप्शन से क्या मतलब है, ये मतलब स्टेबल है, कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये स्टेबल है तो एज इट इज रहना चाहेंगे, कोई भी रिएक्शन क्यों करेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन शो नहीं करते थे क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। ग्रुप 18 को हम नोबल गैस भी कहते हैं, ग्रुप 18 को हम नोबल गैस भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ग्रुप 18 के दो नेम और हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक है। अब इन्हें गैस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गैसीय स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं, और इनर्ट का मतलब हमारे पास होता है अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। यानी कि ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, जो एटम ऑलरेडी स्टेबल है वो रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये हमारे पास है ग्रुप 18 की गैसेस। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होती है। अब बात यह अराइज होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एटम स्टेबल है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एटम रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया था, दैट इज ऑक्टेट रूल।
ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया था, वो क्या था हमारे पास, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने ये कहा था हमें सिर्फ वही स्पीशीज स्टेबल होती है जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, राइट। ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा ओनली दो स्पीशीज आर स्टेबल, या फिर आप कह सकते हो ओनली दो एटम आर स्टेबल, ठीक है, एटम लिखते मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो स्पीशीज लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओनली दो स्पीशीज आर स्टेबल विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, which contain 8 इलेक्ट्रॉन इन their outermost shell, ठीक है। अब चलो यहां पे एक शेल वर्ड यूज हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किसी भी गिवन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो किस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का ये कंसेप्ट है जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, नोटबुक मत चेक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्टेट रूल ने हमें क्या कहा, ऑक्टेट रूल ने कहा कि किसी भी गिवन कोई भी स्पीशीज स्टेबल तभी होती है जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कंसेप्ट मॉडल्स आए थे बहुत सारे स्ट्रक्चर पैटर्न में, हमने जो पढ़ा था उसमें जो बोहर मॉडल है उन्होंने क्या कहा था, बोहर मॉडल ने हमें कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, शेल्स हमें देखने को मिलती है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ एनर्जी शेल्स देखने को मिलती है जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ऑक्टेट रूल ने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जिस भी एलिमेंट की जो भी आउटर मोस्ट शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। तो अब एलिमेंट क्या करेंगे, अब एटम हमारे क्या करेंगे, जिन भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे पूरा कर रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हमारे पास एटम क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, आप जब 10th क्लास में जाओगे तब आपको पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा, जब तब वहां पे हमारे पास हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ट्राई करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन लेवोशियर साइंटिस्ट ने की थी ऑन द बेसिस ऑफ कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है, उन्हें हम कहते हैं मेटल, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कहा कि ये गिवन सब्सटेंस मेटल है, यानी कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ वो इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर रहा, तो आपका सिंपल सा सीधा सा सादा सा आंसर ये होना चाहिए, सर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल वो स्पीसीज स्टेबल होती है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ला सके, यानी कि ये स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है, और इसी वजह से क्या कहा गया, मेटल कहा गया। उसी तरीके से जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। अब बात ये आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों कर रही है और ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों कर रही है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम हमेशा लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमें वो काम, अगर हमें कोई भी गिवन काम दिया जाए तो हम उसको जल्दी से जल्दी और जितना आसानी से किया जा सके वो तरीका ढूंढते हैं जिसमें हमारी कम से कम एनर्जी खर्च हो। सिमिलर सी जो बातें हैं वो इनके ऊपर अप्लाई होती है। ये जो मेटल और नॉन मेटल है, ये जो एटम्स हैं, मेटल और नॉन मेटल एटम्स हैं, वो क्या चाहती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। अब उनके लिए क्या चीज आसान है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, उसके ऊपर डिपेंड कर जाती है उनकी प्रॉपर्टीज, राइट। तो नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है, राइट। उसी तरीके से मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती है। तो हमारे पास ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वही स्पीसीज स्टेबल होती है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कहा ये जो स्पीसीज है, ये जो गैसेज हमारे पास है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल क्यों होंगी, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, इसी वजह से क्या है हमारे पास स्टेबल है, एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम,
यहाँ पे हमारे पास हीलियम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। वो अपना क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी एलिमेंट के पास है ही एक शेल, अगर किसी एलिमेंट के पास एक ही शेल है, तो फर्स्ट शेल जो होती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं के शेल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं। इसके लिए एम की वैल्यू होती है वन, इसके लिए एम की वैल्यू क्या होती है वन। और जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, जैसे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था, किसी भी गिवन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो निकाला जाता है टू एम स्क्वायर से। और फर्स्ट शेल में एम की वैल्यू क्या है, वन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो हीलियम है और जो हाइड्रोजन है, हीलियम के साथ साथ क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, ये दोनों अपना क्या कंप्लीट करती हैं, डुप्लेट कंप्लीट करती हैं, क्योंकि इनके पास एक ही शेल है। तो दो इलेक्ट्रॉन को करके, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या करती है, पोजेस करके अपने आप को स्टेबल कर लेती है, ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, डुप्लेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करती है। और जो स्पीसीज जिनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मेनली हम ऑक्टेट ही कहेंगे, डुप्लेट तो एक दो स्पीसीज ही हैं जो कि कंबाइन जो कि रखती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। तो मेनली आप ऑक्टेट रूल के बारे में ही सुनते हो, डुप्लेट आपको बता दिया जाता है कि डुप्लेट में ये स्पीसीज आती है, ठीक है। तो जो स्पीसीज जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट करके क्या करना चाहेंगी, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगी। और यही रीजन है एटम क्या करते हैं, एटम आपस में कंबाइन करते हैं, एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, एटम केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो जो बात, जो कंसेप्ट हमारे गैल्टन समझा नहीं पाए थे, उसका पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करेंगे, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब एटम कंबाइन करेंगी, तो हमारे पास हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ये टॉपिक था। तो एटम कंबाइन करेंगी, एटम रिएक्ट करेंगी, तो एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो होते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और एक वो एग्जिस्ट करती है आयंस की फॉर्म में, ठीक है। एटम जब कंबाइन करेंगे तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और एक आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब किस तरीके से मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में लग सकती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, ये हम सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।